हेलो एवरीवन, आई एम हिंदी टीचर रेखा शर्मा। कक्षा 5 रिमझिम पुस्तक से जहाँ चाह वहाँ रा पढ़ा रही हैं। आप भी अपनी रिमझिम पुस्तक ओपन करके बैठ सकते हैं बेटा। इसका कक्षा 5 से मैं जहाँ चाह वहाँ रा पढ़ा रही हूँ। देखिए बेटा आगे सभी, जहाँ चाह वहाँ रा, इसमें एक छोटी सी लड़की होती है, उसके बारे में बताया गया है कि उसका हाथ नहीं होते, हाथ से कार्य नहीं कर सकती थी, वो एक अपाहिज लड़की थी, उसके बारे में ये कहानी बताई गई है। अब मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठता था, किनारों पर कसूती के टाकों से पुरी हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे, सुनहरे रुपये बेल बूटे से जान आ गई। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला सचानी के बारे में ये कहानी है, जहाँ चाह वहाँ रा, वो किस प्रकार से बिना हाथों के भी ये कार्य कर लेती थी। इलाके हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। आगे देखिए बेटा, 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। अब इला के बारे में बता रहे हैं कि वो सूरत जिले की रहने वाली थी और वो कितने वर्ष की थी, 26 वर्ष की। आप भी अपनी अभ्यास पुस्तक जब लेके बैठे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर भी बनाते रहें, और फिर मैं आपको एक PDF फाइल बना के दूंगी जिसमें प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। आगे देखिए बेटा, जो इला होती है उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के साथ बीतता है। अब इला कहाँ पे रहती थी, अपने नाना के गांव अमरेली में रहती थी। शाम होते ही बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पट्टू खेलते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आई रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उसके साथ पेंगे नहीं लेती थी। पेंगे में उनके साथ वो रनिंग का कार्य नहीं करती थी, क्योंकि वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी, वो एक अपाहिज लड़की थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, क्योंकि उसके हाथों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरीके से उनका साथ दे और खेलती रहे। इसी प्रकार से बेटा इला की कहानी चलती रहती है। इस पाठ को आप पढ़ते रहेंगे, इसका सार में आखिर में ये समझाऊंगी इला एक अपाहिज लड़की थी। तो आज हम ये समझे कि कोई अपाहिज बच्चा कुछ कार्य नहीं कर सकता, नहीं, आप इला की इसी कहानी को देखते हुए कि जहाँ चाह होती है उसने चाहा कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, तो वो कार्य करके रहती। कौन? जो वो 26 वर्षीय इला थी, गुजरात की रहने वाली। अब उसने यह कार्य अपनी माँ और दादी से सीखा था। कौन सा? कशीदा कार्य। आप कशीदा कार्य घर पे आप अपने बड़ों को देखते हुए कशीदा करना, सुई से कुछ जैसे टाँका लगाना, कपड़ों को सिलना, ये सभी कार्य आप मम्मी को या दादी को करते हुए देखते हुए घर पे। तो ये सभी कार्य रेशम के धागे से और सुई से इला अपने पैरों से करती थी, जो कि आपकी बुक में पिक्चर में दिया हुआ है। आप देखेंगे सभी डीजी बोर्ड पे भी दिखाया हुआ, फर्स्ट पेज में दिया हुआ है कि वो कार्य कैसे कर रही है। देख रहे आप ये पिक्चर, क्या हाथों के द्वारा कर रही? नहीं, वो ये कार्य किसके द्वारा कर रही है? पैरों के द्वारा, वो थी इला। अब आगे देखिए बेटा, वो 15-16 साल की होते होते काठियावाड़ी, ये एक कशीदाकारी की अलग अलग फॉर्म्स होती है, जैसे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कशीदाकारी में, काठियावाड़ी भी होती है और बनारसी बूट भी होती है, अलग अलग तरीके की ये कशीदाकारी किए करती है। किस वस्त्र पर किस
तरह के नमूने बनाती थी, अलग अलग तरह के रंगों को मिलाती थी और अलग अलग टांकों से वो तैयार करती थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसने उसके द्वारा काढ़े गए परिधान मीन्स कपड़े, उसके कपड़ों पे जो लखनवी कढ़ाई थी, आज लखनवी कढ़ाई के सूट साड़ी शर्ट्स होते हैं, कुर्ते होते हैं, आप मार्केट में लेने जाते हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग चिकनकारी की पत्तियाँ बनाती थी उन्हीं कपड़ों पे, और वो डिज़ाइन करके मार्केट में सेल भी होने लगे धीरे धीरे। इतना अच्छा कार्य करके उसने अपने मन में ठान ली कि मुझे ये कार्य करना है, कुछ अच्छा कार्य करना, और उसने करके दिखाया। वही थी इला, इला के पाँव अब रुकते नहीं थे, अब धीरे धीरे वो ये चीज़ें करने लगी, फिर वो सोचने लगे अब मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान, अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपली बूटियाँ उकेरने से थकती नहीं थी, दिन भर कार्य करती थी और अपना अनुभव आगे से आगे करती रही। इसी प्रकार से वो लड़की छोटी से बड़ी हुई, उसने 10वीं तक पढ़ाई भी करी और आगे इन्हीं कार्यों में वो बढ़ती रही। तो हम आज किसी चीज़ से हार जाते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं होता, ये कार्य मुझसे नहीं हो रहा है, जब इलाज को देखते हुए वो जब वो ऐसा कार्य कर सकते तो हम तो हमारे हाथ पैरों से अच्छे हैं, अब तो हर कार्य कर सकते हैं। तो बेटा इसी प्रकार से आप कभी अपने जीवन में हार नहीं मानिए और इलाज की तरह आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार इसके छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर आप बनाते रहेंगे, जैसे इला कितने वर्ष की थी, वह क्या कार्य करती थी, क्या वो हाथों से कार्य करती थी, क्या वो पैरों द्वारा करती थी, और ये कार्य उसने किससे सीखा, और उसने जीवन में क्या क्या अनुभव किया, और क्या उसने जीवन में कभी हार मानी। तो इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, छोटे प्रश्नों को तैयार करें और रीड करते रहें, लर्न करते रहें। इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद, टेक केयर बेटा।